काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल को एम्स का दर्जा दिया जाता है। वहीं बीएचयू के नर्सिंग स्टाफ खेमचंद सैनी की ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई ये जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। वहीं के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इस संस्थान में स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ना तो वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और 17 मरीजों पर एक नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। जब लोग सेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो सेक्शन ऑफिसर कहते हैं कि अगर कंप्लेंट तुमने दर्ज कराया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक देंगे। यही कारण है कि अभी पिछले महीने ही एक नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिनकी उम्र 42 साल थी। और ये भी बताया कि यहां पर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है और हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस काम का पड़ता है, इस वजह से आज हमारे साथ ही खेमचंद सैनी की मृत्यु हो गई है। नर्सिंग स्टाफ की मृत्यु की खबर के बाद पूरे अस्पताल परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। सभी कर्मचारी अस्पताल के बाहर निकल आए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जहां एक हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी होती है, वहीं हम लोगों से 7-7 दिन की ड्यूटी ली जा रही है, कोई भी सुनवाई ऊपर के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वहीं डिप्टी नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट करुणा ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी किया और नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि हम पत्रकारों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। कंफर्मेशन नहीं मिला तो ये तो सिर्फ है ना। 4 साल हो गए कंफर्मेशन नहीं हुआ। स्टाफ मर गया, कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। 4 साल हो गए। इधर इधर हमारे पेट रोटी सकती है मैडम, वो सकती है तो भी हमारी पानी से चलती है तभी तो हमको पार्किंग नहीं मिली है। उनके नाम लगे हुए क्यों से पेटी ना सालों में साल में कंफर्मेशन एम्स का रूल है। और आज बहुत दुखद है और खेद है हमें कि एक हमारा साथी और हमारे साथ रहे हुए स्टाफ बहुत दुख के साथ कहा नहीं जा सकता कि उनकी किस तरह मौत हुई होगी, किस तरह उनका देहांत हुआ है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतना स्ट्रेस है स्टाफ को। और उस स्ट्रेस हर तरीके से प्रशासनिक तौर पे हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी जैसे एनएस डीएनएस की पोस्टें होती है उनकी तरफ से अनलीगल दबाव बनाया जाता है कि आप कहीं पे भी किसी तरह की डिमांड नहीं करोगे, आपको किसी फैसिलिटी नहीं है तो भी नहीं बोल पाओगे, यदि बोल भी दिया जाता तो नीचे आके मिलना, ऑफिस में आ जाना, ये वो कोई भी राउंड करने आता तो हमारी सुविधाओं के बारे में कोई ख्याल नहीं दे करता है और ना ही बताता है और ना ही कोई गाइडलाइन यहाँ फॉलो की जाती है। अपने अकॉर्डिंग ये चलाना चाहते हैं और उसी के अंदर स्टाफ को दबाया जाता है हर बार, उसी की वजह से स्टाफ को दबाव की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। स्टाफ का कोई भी लीगल वर्क हो उसमें भी दौड़ाया जाता है, यदि 5 दिन की प्रोसेस है उसको ये 25 दिन 30 दिन महीने भर तक खींच के ले जाते हैं, यदि किसी भी यहाँ से छोड़ने की प्रोसेस भी है तो उसमें भी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी ये लोग दौड़ाते हैं और किसी भी तरह का कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत इंक्रीमेंट रोकने का नोटिस दे दिया जाता है। इसकी शिकायत आप लोग कहाँ की है? कोर्ट में भी गए हैं इसके खिलाफ। कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट के जाने के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद डायरेक्टर सर को वहाँ बुलाया गया, उसके बाद वापस आदेश के द्वारा यहाँ का इंक्रीमेंट रिलीज हुआ है और हर तरीके से स्टाफ को परेशान किया। किसी भी ऑफिस में कोई भी लेटर लेके जाता है तो वहाँ बैठे सेक्शन ऑफिसर इस तरह लताड़ते हैं कि हम वहाँ का स्टाफ नहीं है, यहाँ के कोई कर्मचारी श्रेणी में, ये जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर लाइन देखते हैं सब लोग तड़क उठते हैं, पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे। हर तरीके से नर्सिंग ऑफिसर को दबाने के लिए हर एक ऑफिस के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, जबकि हमारी ईआरपी बनी हुई है ऑनलाइन सिस्टम में, तो भी ऑनलाइन सिस्टम में आधे से ज़्यादा काम होते ही नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में केवल लीव अप्लाई होती है, वो भी आधी तरह की लीव, पूरी लीव भी नहीं, उसका भी कोई सिस्टम नहीं है इनके पास, और उसी के बावजूद भी हमारे को दबाया जाता है। और जो ऑनलाइन की प्रोसेस होती है उसमें जो गाइडलाइन है एमओएच की, जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होती है उसके साथ जो डिटेक्शन होता है, वो कुछ भी यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है।
चाहे एजुकेशन लीव पे जाना हो, चाहे एजुकेशन परमिशन हो, चाहे एग्जाम परमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी एनओसी के रिगार्डिंग हो, तो भी दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, हर तरीके से परेशान किया जाता है, अन्यथा लताड़ा जाता है। इसीलिए आज ये तीसरी घटना है हमारे साथियों के साथ। इससे पहले एक मैडम हुए थे स्ट्रेस की वजह से, उसके बाद कामलेसर हुए थे, उसके बाद ये इसी महीने कामलेसर तो हुए ही हैं, जस्ट अभी का मामला है 10-15 दिन पहले का। उसके बाद ये दूसरा मामला है कि स्ट्रेस की वजह से ये दूसरा हमारा साथी हमने खो दिया है, हमें बहुत खेद है। तीसरा साथी हमारा, और हमारा जिसके बच्चा अभी 1.5 साल का है, क्या हम जवाब देंगे इनके बच्चों को, क्या क्या कहेंगे? एक वाइफ जिसकी उम्र 20-25 साल है, उसको क्या जवाब देंगे? क्या हुआ था इस हमारे साथी के साथ? आप क्या मांग करते हैं? हम यही डिमांड करते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, हायर अथॉरिटी द्वारा हमें जो कंप्लेन हो, जो प्रोटोकॉल हो, MOH की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करवाया जाए, जो बेड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ होना चाहिए, और जो यहाँ की प्रोसेस है कागज जो डॉक्यूमेंटेशन की, जो भी कागज कार्रवाई की जाती है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए उसके अंदर, जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाओ ऑफलाइन लेके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि घुमाया जाता है, जो 5 दिन का प्रोसेस है उसे 25 दिन में करवाया जाता है। आगे हम हमारे साथियों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जाए, किस तरीके से अपने लोगों को बताया जाए कि हमें आगे के लिए क्या करना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हर एक को आने के लिए बस शोक संदेश दिया चले गए, कुछ ही उससे नहीं है। एक बच्चे के लिए, एक जो वाइफ है जिसकी उम्र अभी बहुत कम है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ का प्रशासन क्या करेगा, उसकी हम डिमांड रखेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि जो वाइफ है उनको भी सर्विस दी जाए, और जो बच्चे के लिए प्रावधान है एजुकेशन वगैरह के, वो पूर्णतया फ्री और इस अथॉरिटी के द्वारा, BHU के द्वारा